फिर याद आता है मेरे वतन, मेरे वतन। मैंने जिस रोज पहना तेरा पैरगन, तेरा पैरगन। मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर, काहे हक है मेरे लाल चल चूम कर। वतन के लिए मैंने जन्मा है तुझको, वतन के लिए। मुझसे कहने लगी तू मेरी जान है, जान बस दे निसाबे मुसलमान है। जब नमाज़े जिहादे वतन हो अदा, तू मिले सबको पहली सबों में खड़ा। जब जमीन ने वतन कर रही हो पेश करना मेरे लाल अपना दरबार, और कहना वतन तू हमेशा जिए। मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। जान पहले दीवारी गई प्यार पर, खून सजता रहा तेरे रुखसार पर। मुझसे पहले भी थे जो निभाते रहे, जान उठाते रहे सर कटाते रहे। मैंने सीखी है रुख पे तेरे तालियां, मैंने की है वतन तेरी रखवालियां। माँ को मैंने शहादत के तोहफे दिए, उसमें जन्मा है मुझको वतन के लिए, उसमें जन्मा है मुझको वतन के लिए। मुझको फिर याद आता है मेरे वतन, मेरे वतन। मैंने जिस रोज पहना तेरा पैरगन, तेरा पैरगन। मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर, काहे हक है मेरे लाल चल झूम कर।
कह दिए मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन कह दिए मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। पूरी कौम सलाम करती है ऐसी माओं को जो अपने बेटे शहादतों के लिए भेजते हैं, जो अपने बेटे इसलिए पालती हैं और इसलिए जनती हैं कि मुल्क की इज्जत और आबरू पर जब भी कोई खतरा आएगा इनके बेटे उम्मत के हरावल के तौर पर सामने खड़े होंगे। पूरी कौम सलाम करती है ऐसी माओं को, सलाम करती है ऐसे शहदा को, सलाम करती है ऐसी बीवियों को जो अपने शौहर शहादतों के लिए भेजती हैं, सलाम करते हैं ऐसे बच्चों को कि जो इसलिए यतीम हो जाते हैं कि पूरा पाकिस्तान यतीम होने से बच जाए। अल्लाह की रहमतें हों इनके ऊपर। इनके वाकयात अब हम सुनाएंगे आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा वो उस सवाल का जवाब दे लें कि हम किसकी जंग लड़ रहे हैं। अमेरिकन्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी और उनकी जंग बुनियादी तौर पर अफगान तालिबान के खिलाफ है। वो अफगान तालिबान को अफगानिस्तान से खत्म करना चाहते हैं ताकि रेजिस्टेंस मुजाहमत खत्म हो और अमेरिकन अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी बना सके, जो एक बेस एरिया बने कि जहां पर बैठ के एक तरफ ये चीन के लिए, एशिया वस्ती के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, ईरान के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बेस एरिया बने जहां से इन इलाकों में दहशतगर्दी फैला सके। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ ये काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये लाजमन पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम को ले जाना या उसको नुकसान पहुंचाना या पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में से शामिल है। ये बातें हम कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, ये इनके डॉक्यूमेंटेड पेपर्स में अब नए नक्शे मिडल ईस्ट के बनाए जा चुके हैं कि जहां पर पूरे मिडल ईस्ट को रीड्रॉ करने की बात, अब नए नक्शे मिडल ईस्ट के बनाए जा चुके हैं कि जहां पर पूरे मिडल ईस्ट को रीड्रॉ करने की बात की जा रही है कि जिस तरह 20वीं सदी के शुरू में मुसलमान मुल्कों को तोड़ा गया था खिलाफत को तोड़कर, इस तरह अब बचे कुचे मुसलमान ममालिक को भी छोटा छोटा प्रोविंसेस पे सूबों के लेवल पर तोड़ा जाए। जहां तक खुद इनका ताल्लुक है, यूरोपियन यूनियन एक बड़ा ब्लॉक सिक्योरिटी ब्लॉक बना रहे हैं, कॉमन करेंसी है, कॉमन डिफेंस है, कॉमन फॉरेन पॉलिसी बिल्ड कर रहे हैं, अमेरिकन और नेटो मिलकर एक कॉमन जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, चाइना और रशिया मिलकर एससीओ को बड़ा ब्लॉक बना रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान मुल्कों को मजीद तोड़ तोड़ कर छोटा करना चाहते हैं। इराक पर इन्वेजन के नतीजे में ये मिडल ईस्ट के बिल्कुल हार्टलैंड में पहुंच गए, इराक को मजीद तीन चार हिस्सों में छोटा छोटा तोड़ा जा रहा है। अफगानिस्तान में मौजूद होकर ये सेंट्रल एशिया के हार्टलैंड में आ चुके हैं। ये दो स्ट्रेटेजिक मुल्क इन्होंने लाजमन, जिन पे फिजिकल इनकी प्रेजेंस जरूरी थी, और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो बलूचिस्तान के जरिए, क्योंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से गर्म पानियों की तरफ आना चाहता था, 21वीं सदी के अमेरिकन नेटो स्ट्रेटजी गर्म पानियों से एशिया वस्ती की तरफ जाना है और उसके लिए अफगानिस्तान एक ट्रांजिट कॉरिडोर का काम करता है। पाकिस्तान में 9/11 के बाद जो उस वक्त की हुकूमतों ने जो साथ देना शुरू किया अमेरिकन का, वो अनकंडीशनल था, कोई शराइत तय नहीं की गई, यह नहीं देखा गया कि कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है, टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं किया गया, कभी पार्लियामेंट ने यह फैसला नहीं किया कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अमेरिकन के साथ हमारे क्या होंगे, हम किस हद तक जाएंगे किस हद तक नहीं जाएंगे, कौन हमारा दोस्त होगा कौन दुश्मन होगा, कौन हमारे मफादात का तहफ्फुज़ करता है अफगानिस्तान उस पूरे खुत्ते में। जब यहां बीसियों मुख्तलिफ किस्म के मुसल्लह ग्रोह बन गए तो उनमें कई ग्रोह ऐसे थे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिएट किए गए इंडियन इंटेलिजेंस रॉ की तरफ से या मुसाद या CIA की तरफ से, जिनमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले ग्रुप और खासतौर पर यह तहरीक तालिबान, जो कई साल तक इनको यहां पर असला रुपया सप्लाई, वेपन इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेटेलाइट फोन दिए गए, इस कदर रुपया दिया गया असला अफगानिस्तान से आया कि ये पूरी सवात वैली में जाके अपने आप को तवील अरसे तक डिगिन करके एक ऐसा बैटल एरिया इन्होंने बना लिया, ऐसा अपना थिएटर ऑफ ऑपरेशन बना लिया कि जहां से ये पूरे पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियां कर रहे थे, बल्कि सवात वैली को तो टेक ओवर ही कर लिया था। जब इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की बात होती तो उस वक्त की सियासी हुकूमतें सिर्फ इसलिए फैसला नहीं करती थी कि इससे पब्लिक रेपुटेशन खराब होगी, इस वजह से फैसला नहीं करती थी कि बातचीत करके निगोशिएशंस करके कोई हल निकाल लिया जाएगा, बट विदाउट रियलाइजिंग कि इन दहशतगर्दों से कोई निगोशिएशंस नहीं किए जा सकते थे। जो सवात प्रैक्टिकली होस्टेज हो गया तो तकरीबन एक साल पहले जब राह रास्त ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस वक्त पहली मर्तबा पाकिस्तान आर्मी पूरी कुव्वत के साथ सवात वैली में दाखिल होती है। अब यहां पर यह बात अच्छी तरह नोट कीजिएगा, यह हम अपनी जंग लड़ रहे हैं, यह हम अमेरिकन के इंटरेस्ट की जंग नहीं लड़ रहे हैं। अमेरिकन का तो मकसद ही यही था कि इन दहशतगर्द ग्रोहों को तैयार करके पाकिस्तान में भेजा जाए, पाकिस्तानी फौज और कौम से तसादुम किया जाए, पाकिस्तान के अंदर एक क़यामत बरपा की जाए,
ताकि जिसके नतीजे में दुनिया को यह बताया जाए कि पाकिस्तान के एटमी हथियार अब ले लेने चाहिए। दिस इज द अमेरिकन गेम प्लान। अल्टीमेट टारगेट पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें कोई शक किसी पाकिस्तानी को कभी भी नहीं हुआ। और लेकिन चूंकि पाकिस्तान की हुकूमतें कमजोर रही और आज भी कमजोर है, इस तमाम तर इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि अमेरिकन बिट्रेल हुआ है हमारे साथ, अमेरिकन ने हमारी पुश्त में खंजर दिया, इंडियंस अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में फसाद बर्पा कर रहे हैं, ये हुकूमत वक्त भी बोलने पर मजबूर है कि ऐसा हो रहा है, इसके बावजूद हमने अमेरिकन को उन पर सख्ती नहीं की है। अभी तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रहा है। हमने ना तालिबान की मदद की है, ना हम अमेरिकन के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिकन प्रॉब्लम है, वो उसको खुद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान से और बुरी मार खा रहे हैं। हम सिर्फ अपनी सरहदों के अंदर पाकिस्तान के दिफा की जंग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो दहशतगर्द हमारी सफों में दाखिल कर दिए गए हैं। यह पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जंग पहले कभी नहीं लड़ी गई थी। यह एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें हम टैंक्स और आर्मर और आर्टिलरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 50,000 ट्रूप एक्टिवली इंगेज हैं इस जंग में अपनी सरहदों के अंदर, सवात वैली से शुरू हुए, बुरेर, मालाकंड और अब वजीरिस्तान ट्राइबल एरियाज की तरफ। और जो तावन लोकल पॉपुलेशन का पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के साथ रहा है, सवात ने पूरा सवात के अवाम बाहर निकलकर आ गए कि अब इनका आप सफाया कीजिए। जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए, खासतौर पर PO4 के ड्रॉप की हम बात करेंगे, PO4 में जो 3 SSG बटालियंस हेलीकॉप्टर्स के जरिए ड्रॉप की गई है, 1200 कमांडो जो PO4 माउंटेन पर ड्रॉप किए गए जिसमें SSG के कमांडिंग ऑफिसर जनरल हारून खुद शामिल थे, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ऑपरेशन इन SSG हिस्ट्री, इन एनी स्पेशल फोर्सेस हिस्ट्री, इतना बड़ा हेली ड्रॉप रिसेंट हिस्ट्री में कभी नहीं किया गया। और सवात वैली में बिहाइंड तालिबान लाइंस जाके जो पाकिस्तान आर्मी ने इनको पीछे से तबाह किया, इनके डिपोज, उनके सप्लाई इक्विपमेंट, इनके लेबोरेटरीज, इनके असला और सुसाइड बॉम्बिंग बनाने की फैक्ट्रीज, जो टनल्स, बंकर्स जो बरसों से ये खोद खोद के इन्होंने एक ऐसा सेंटर बना लिया था, मरकज बना लिया था कि जिनको प्रैक्टिकली ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए क्लियर करना मुमकिन नहीं था या नजर नहीं आता था, अल्लाह के हुक्म से 3 माह के अंदर पूरी सवात वैली को ना सिर्फ साफ किया गया, जो 22 लाख लोग बाहर निकले वो वापस अपने घरों में जा चुके हैं, और लोकल आबादी जब गई है वहां से, अब लोकल डिफेंस फोर्सेस बना दी गई हैं, मकामी लश्कर बन गए हैं कि जो अपने इलाकों की सिक्योरिटी का ध्यान कर रहे हैं। तालिबान इतने मुसल्लत है, मकामी तालिबान या फसादी, तालिबान का लफ्ज इनके लिए नहीं, फसादी का लफ्ज होना चाहिए, ये मकामी दहशतगर्द और फसादी इतने मुसल्लत ऑर्गेनाइज थे कि मकामी लोग इनके आगे यरगमाल बन चुके थे। फौज ने जाके इनकी सफाई की, इनको एलिमिनेट किया और मकामी लश्करों को इतना मजबूत कर दिया कि अब वो अपने इलाके की सिक्योरिटी संभाल सकते हैं, और सवात में अब इंशाल्लाह मिलिट्री गैरिसन भी बन रहा है। यही स्ट्रैटेजी अब साउथ वजीरिस्तान में डिप्लॉय की जा रही है। लेकिन साउथ वजीरिस्तान ऑपरेशन से पहले अमेरिकन ने बिट्रेल किया हमारे साथ कि सरहद के पार जितनी अमेरिकन पोस्ट थी उनको हटा लिया गया। जो तस्वीर यह किया जाता था कि मदर ऑफ ऑल बैटल, सबसे बड़ी लड़ाई यहां वजीरिस्तान में लड़ी जाएगी, 3 प्रॉन्ग से, वाना की तरफ से, रजमा की तरफ से, डीआई खान की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी के तकरीबन 30,000 जवान 3 कॉलम्स में जो साउथ वजीरिस्तान की तरफ दाखिल हुए। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि दुश्मनों ने कई बरस तक यहां पर डिग इन करके अपना मरकज, अपना बेस इतना मजबूत बना लिया था कि उनके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि कभी कोई पाक फौज यहां पर आके इनको यहां से निकाल सकती है। ये भी अल्लाह का खास करम और मौजजा हुआ है। इट्स अ मिरेकल इन हैपनिंग राइट नाउ एज वी स्पीक कि प्रैक्टिकली मिलिटेंट्स अपना तमाम असलहे का जखीरा, अपने बंकर्स, अपने टनल्स, अपने कमांड कंट्रोल सेंटर छोड़कर इस तरह फरार हुए अफगानिस्तान की तरफ। उन्होंने पॉकेट्स अभी फिर रहे हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस जरूर हैं, लेकिन अफगानिस्तान इनको ले जाया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स भी कंफर्म कर रही हैं कि अफगानिस्तान से इनको एयरलिफ्ट किया गया है काबुल के नॉर्थ में ड्रॉप करने के लिए। अमेरिकन और इंडियंस ने तमाम अपने एसेट्स वहां से बचा के निकाले। अब ये दूसरी एजेंसीज में, औरंगजेब में, नॉर्थ वजीरिस्तान में गए, वहां पर भी छोटे ऑपरेशन इनके खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से जो बहुत बड़ा असले का जखीरा इनका पकड़ा गया, जो बरसों इन्होंने संभाल के रखा था, इनके 12.7 14.5 mm, इनके एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज, इनके सुसाइड बॉम्बिंग्स बनाने के जो आलात थे, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तमाम इंडियन इक्विपमेंट और असला जो वहां से निकला है, बिल्कुल क्लियर कर देता है इस बात को कि यह दहशतगर्द कार्रवाई इंडियन रॉ के ईमा पर की जा रही है। 1971 में हमें चोट लगाने के बाद यह दूसरी बहुत बड़ी कार्रवाई इंडियन रॉ की थी कि पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी, इस तरह दहशतगर्द ग्रोह को तैयार किया जाए। अब यह बात बिल्कुल वाजह हो जाती है कि पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स, ऑफिसर्स और जवान, हमारे गाजी, हमारे पुरेसरार बंदे, जिन्हें अल्लाह ने जौके खुदाई बख्शा है, वो कोई अमेरिकन जंग नहीं लड़ रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त पाकिस्तान की और अमेरिका की प्रैक्टिकली एक शदीद तसादम हो रहा है, इसलिए कि अमेरिकन मजबूर कर रहे हैं हमें कि हम अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करें, एंड वी आर फ्लैटली रिफ्यूज, वी आर नॉट डूइंग इट। हम अपनी सरहदों के अंदर पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं, और उन तमाम एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया जा रहा है कि जिनको अमेरिकन ने तरबियत देकर भेजा था। इंशाल्लाह हैरतअंगेज तौर पर हर रोज अल्लाह हमें कामयाबियां दे रहा है।